हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन से पहले, हमने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है और ये अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है आपका 2999 में। आप sleepyclasses.com या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है और आपने देखा हुआ है कि आप स्लीपी क्लासेस कंटेंट के साथ कितना ज़्यादा रेगुलर रहता है और क्वालिटी रहती है, तो आप जाके इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि मिशन कवच कुंडल जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो कौन से स्टेट्स में लॉन्च हुआ है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या कर्नाटका? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? महाराष्ट्र। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर जो है राजेश टोपे, उन्होंने अनाउंस किया कि मिशन कवच कुंडल जो है अक्टूबर 8 से 14 में कैरी आउट किया जाएगा, जिसकी 15 लाख वैक्सीनेशन डेली होगी। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और उन्होंने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टॉक पड़ा हुआ है 75 लाख वायल्स और अनदर 25 लाख जो हैं अवेलेबल होंगे, तो ये वैक्सीनेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम 15 लाख वैक्सीनेशन जो है अगर इस ड्राइव पे करते हैं और सारे यूटिलाइज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। इंडियन एयरफोर्स डे कौन सी डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? 8 अक्टूबर। अब देखिए, इंडिया जो है इंडियन फोर्स डे को हर साल 8 अक्टूबर में मिलाया जाता है, क्योंकि इस दिन इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऑफिशियली रेज हो गया था। किसके साथ? रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम 1932। ठीक है, और जो है हर साल इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जो है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा आपके एयरप्लेन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और सेलिब्रेशन जो है वो क्या करते हैं, मार्क करता है इंडियन एयरफोर्स चीफ और सीनियर ऑफिसर जो हैं, और तीनों के हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ हैं वो भी आते हैं। अब इसको भारतीय वायुसेना जो है हम इंडियन एयरफोर्स हिंदी में बोलते हैं, और ये कब है? 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, और इसका फर्स्ट ऑपरेशनल स्क्वाड्रन जो है 1933 अप्रैल में आया था। लेकिन इसके बाद क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 में इसको पार्टिसिपेट किया था, तो इंडियन एयरफोर्स को उसके बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोलते थे। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स जो है ऑफिशियली 1932 को हुआ था, और ये सपोर्टिंग फोर्स थी किसकी? रॉयल एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम थी। तब से ये हम इसको इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक्सरसाइज अजय वॉरियर जो है वो एक एक्सरसाइज है, वो इंडिया और कौन से ऐसे कंट्री के साथ सेलिब्रेट करेंगे? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम्स। ठीक है, अब ये देखते हैं। देखिए, 6th एडिशन है ये, ठीक है, यूके का, और जॉइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। उसका नाम है अजय वॉरियर, और ये कहाँ पे? चौबाटिया उत्तराखंड में होगी। ठीक है, कहाँ से? 20 अक्टूबर को ख़त्म होगी। ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और ये एक्सरसाइज एक इनिशिएटिव है किस चीज़ के लिए? इंटर ऑपरेबिलिटी और एक्सपर्टीज को शेयर करना है फ्रेंडली फॉरेन नेशंस के साथ। और इस एक्सरसाइज में इन्फेंट्री कंपनी जो इंडियन आर्मी की वो लेगी, और इक्विवेलेंट जो है यूके आर्मी की पार्टिसिपेट करेगी, जो कि अपने एक्सपीरियंसेस जो भी उन्होंने गेन करा है ड्यूरिंग द मिलिट्री ऑपरेशन उसको शेयर करेंगे। ठीक है, और इस ट्रेनिंग में दोनों आर्मीज जो हैं फैमिलियराइज करेंगे एक दूसरे के वेपन्स के साथ, इक्विपमेंट्स, टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर जो भी जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस में हो रहे हैं। ठीक है, उसके साथ क्या है कि एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशंस भी होंगे। आपको पता है कि आजकल न्यू वॉरफेयर टेक्निक्स चल रही हैं, और वेरियस सब्जेक्ट जो हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के, जैसे कि कंबाइंड आर्म्ड कॉन्सेप्ट है, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, जॉइंट फोर्सेस, ऑपरेशन लॉजिस्टिक वगैरह, वो एक्सरसाइज अजय वॉरियर में डिस्कस होंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ वॉन बिडिंग फॉर अक्वायरिंग नेशनल कैरियर एयर इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब ये तो आपको सभी को पता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टाटा ने करा है, लेकिन थोड़े डिटेल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने। ठीक है, अब देखिए, टाटा ग्रुप जो है वो उस टाटा सन्स ने एक होली सब्सिडियरी टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने एक 18,000 करोड़ की जो डाली थी एंटरप्राइज वैल्यू, जो कि इन्होंने जीती है, और ये अब ये क्या है कि कॉन्सिक्वेंट एक्विजिशन करेंगे। ठीक है जी, और टाटा जो 100% स्टेक एयर इंडिया में लेंगे। ठीक है, और ये अभी के 100% सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस में होगी। ठीक है, और इसमें 50% जो जॉइंट वेंचर है वो एयर इंडिया सैट्स क्या है, एयरपोर्ट सर्विस ऑन ग्राउंड एंड कार्गो हैंडलिंग है। ठीक है, और टोटल परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो है अभी एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सेल की कितनी है? 13,500। तो ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है, और ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने करोड़ का था। ठीक है, और टाटा ने किया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं
कि इंडियन नेवी जो है वो एक्सरसाइज मिलान ऑर्गेनाइज करेंगे वो कितने कंट्रीज़ के साथ हैं। अब ये क्यों इतना आया हुआ है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट एक्सरसाइज है इंडियन नेवी की, 44, 45, 46, 47। तो इसका सही जवाब क्या है, 46। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। माफ़ कीजिएगा, तो अब इंडिया जो है एक्सरसाइज मिलान नेक्स्ट ईयर ये होगा 2022 में, ठीक है जी। और इसमें 46 ईयर्स जो हैं वो इनवाइटेड हैं, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया हुआ है। अब एक्सरसाइज मिलान जो है इट हैज़ वो जो है प्लान की है फरवरी 2022 में, और अभी ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है। अब इसमें क्वाड कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि क्वाड कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है कमेंट सेक्शन में। और मिलान जो है वो 1995 में ऑर्गेनाइज हुई थी, और ये बायनली मतलब हर दो साल में होती है, ठीक है। और ये टुगेदर जो है सारी नेवीज़ को लेके आती हैं, ठीक है जी। अब सो फार जो है ये पोर्ट ब्लेयर में होती थी, लेकिन अब इसको विशाखापट्टनम में शिफ्ट कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। और इनवाइटीज़ में इंडियन ओशन के जितने भी स्टेट्स हैं जो कि हमारे पढ़ते हैं, और साउथ एशिया के जो पढ़ते हैं उनके साथ हम उन्होंने इन्वाइट किया हुआ है। और 2020 एडिशन में 40 कंट्री थे, लेकिन एक्सरसाइज पैंडमिक की वजह से कैंसिल हो गई थी। और 10वें एडिशन जो 2018 था उसमें 20 शिफ्ट आई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का जो डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स है वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।